गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी हैव स्टार्टेड अ न्यू लेसन क्लीनलीनेस ओके सो लेट्स लेडिंग फोर ए हेल्दी लाइफ वी मस्ट कीप आर सेल्स एंड आर सराउंडिंग्स क्लीन मीन्स कि हमें फॉर अ हेल्दी लाइफ मीन्स हेल्दी लाइफ के लिए हमें हमें और हमारे आसपास के एरिए को क्लीन रखना चाहिए ओके क्लीनलीनेस इज़ अ गुड हैबिट विच मस्ट बी प्रैक्टिस एट होम और इन स्कूल क्लीनलीनेस जो है वो एक गुड हैबिट है और इसकी प्रैक्टिस हमें हमारे होम और स्कूल में ज़रूर ही करनी चाहिए क्लीनिंग रखनी तो बहुत अच्छी बात होती है ना? तो ये क्या एक गुड हैबिट है ओके इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वायरस डिजीजेस एंड इलनेस ये हमें वायरस और इलनेस से बचाते हैं प्रोटेक्ट करते हैं क्लीनिंग रखेंगे तो वायरस हमारे अंदर नहीं जाता दे फोर वी शुड कीप एवरी थिंग नीट एंड टाइडी सो इसलिए हमें सब कुछ नीट एंड टाइडी रखना चाहिए ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट इज़ क्लीन हैबिट्स ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर ईच मील मीन्स कि हमें हमारे टीथ मॉर्निंग में ब्रश करने चाहिए और आफ्टर ईच मील मील मीन्स कि जब भी हम कुछ खाएं हमें उसके बाद में हमारे टीथ ब्रश करने चाहिए नेक्स्ट इज ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग हमें कुछ भी खाने से पहले और बाद में बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग वॉश योर हैंड हमें हमारे हैंड्स वॉश करने चाहिए ओके नेक्स्ट इज बात एवरी डे विद अ सोप हमें एवरी डे मीन्स रोज बात करना चाहिए सोप के साथ ओके नेक्स्ट इज कीप योर नेल्स क्लीन एंड कट हमें हमारे नेल्स क्लीन एंड क्लीन रखने चाहिए और टाइम टू टाइम कट करते रहने चाहिए ओके नेक्स्ट इज कवर योर फेस वाइल कफिंग और स्नीजिंग जब भी हमें कफ हो या स्नीजिंग कफ कोल्ड होता है तो हमें हमारे फेस को कवर रखना चाहिए नेक्स्ट इज वियर क्लीन एंड आयर्न क्लॉथ्स हमें कैसे क्लॉथ्स वियर करने चाहिए क्लीन और हमारे क्लॉथ्स को आयरन भी किया हुआ होना चाहिए ओके नेक्स्ट इज कीप शूज़ क्लीन बाय पॉलिशिंग ब्रशिंग एंड वॉशिंग हमें हमारे शूज़ क्लीन रखने चाहिए कैसे क्लीन रखने चाहिए उन्हें पॉलिश करना चाहिए ब्रशिंग करना चाहिए और वॉशिंग मीन्स वॉश करते रहना चाहिए ओके नेक्स्ट इज वॉश योर हेयर विद अ गुड शैम्पू एंड कॉम डेली हमें हमारे हेयर्स को अच्छे शैम्पू के साथ वॉश करना चाहिए और डेली कॉम करना चाहिए सो स्टूडेंट्स तो ये क्या है क्लीन हैबिट्स जिससे हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं ओके सो नेक्स्ट इज कीपिंग आर होम क्लीन अब हम देखेंगे कि हम हमारे होम को क्लीन कैसे रख सकते हैं वी शुड कीप द फ्लोर ऑफ आर होम क्लीन हमें हमारे घर के फ्लोर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए अनक्लीन फ्लोर्स हैव जर्म्स विच कैन मेक सिक मीन्स की जो अनक्लीन फ्लोर होते हैं उनसे हम क्या हो सकते हैं सिक मीन्स बीमार हो सकते हैं क्योंकि जो अनक्लीन फ्लोर होते हैं उस पर क्या होते हैं जर्म्स होते हैं तो वो हमें क्या कर सकते हैं सिक कर देते हैं ओके नेक्स्ट इज द बाथरूम्स एंड किचन शुड बी कैप क्लीन एंड ड्राई हमें हमारे होम के बाथरूम एंड किचन हमेशा क्लीन एंड ड्राई रखने चाहिए वी शुड कीप द विंडोज ओपन इन द मॉर्निंग टू गेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन हमें हमेश हमें मॉर्निंग में हमारे घर के विंडोज़ जो होते हैं वो ओपन कर देने चाहिए जिससे फ्रेश एयर एंड सनलाइट होम के अंदर आ सके ओके सनलाइट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर जो सनलाइट होती है वो जो एयर के अंदर जर्म्स होते हैं उसको किल कर देती है जो मॉर्निंग वाली सनलाइट होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है हमारी बॉडी के लिए भी वेस्ट शुड बी थ्रो रेगुलरली इन दार्बेज बीन्स हमें हमेशा जो हमारा वेस्ट होता है वो सब चीज़ें डस्टबिन में थ्रो कर देनी चाहिए ओके नेक्स्ट इज़ Everything should be kept in the proper place and not strewn around. Means ki कि हमें हमारे घर में सभी चीज़ें place pe rakhni रखनी चाहिए यहाँ वहाँ बिखेर के नहीं रखनी चाहिए is keeping our school clean ki कि हमें हमारे स्कूल को क्लीन कैसे रखना चाहिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आर स्कूल क्लीन यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने स्कूल को क्लीन रखें वी शुड हमें क्या करना चाहिए नॉट थ्रो पेंसिल शेविंग्स पेपर बाइट्स और चॉक्स इन द क्लास रूम्स और प्ले ग्राउंड मीन्स कि हमें पेंसिल शेविंग मीन्स जब हम पेंसिल को शॉप करते हैं तो जो डस्ट आता है वो पेपर बाइट्स मीन्स पेपर्स के जो बाइट्स हम कर देते हैं वो ये चौक होते हैं वो हमें क्लासरूम या प्ले ग्राउंड में थ्रो नहीं करनी चाहिए वो डस्टबिन में थ्रो करनी चाहिए ओके okay? इससे क्या रहेगा हमारा क्लास स्कूल और प्ले ग्राउंड क्लीन रहेगा नेक्स्ट इज़ नॉट राइट ऑन द डेस्क ऑन वॉल्स ऑफ द क्लासरूम हमें डेस्क पे और हमारी वॉल्स पे जो क्लासरूम की हमारी जो वॉल्स होती है उन पे राइट नहीं करना चाहिए जिससे वो क्या हो जाते हैं डर्टी हो जाएंगे तो हमें हमें स्कूल को क्लीन रखने के लिए डेस्क और वॉल्स पे राइट नहीं करना चाहिए नॉट प्ले इन साइड द क्लास हमें क्लास के अंदर प्ले भी नहीं करना चाहिए नेक्स्ट इज नॉट स्पिल फूड एंड वाटर हमें क्लासरूम में फूड एंड वाटर स्पेल मीन्स नहीं गिराना चाहिए यहाँ वहाँ नेक्स्ट इज नॉट टर्न ओवर द चेयर्स और अदर फर्नीचर हमें क्लासरूम में चेयर को टर्न मीन्स इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए और ना ही अदर फर्नीचर मीन्स बाकी के फर्नीचर को सभी को प्रॉपर प्लेस पर ही रखे रहने देना चाहिए ओके नेक्स्ट इज थ्रो वेस्ट मटीरियल्स सचैस पेंसिल शेविंग्स एंड पेपर बाइट्स इन द डस्टबिन हमें हमेशा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है पेंसिल शेविंग्स हों या पेपर बाइट्स हों या अदर वेस्ट वो हमें कहाँ थ्रो करना चाहिए डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए ओके एंड नेक्स्ट इज़ डोंट ब्रेक एनी स्कूल प्रॉपर्टी मींस कि हमें जो स्कूल की प्रॉपर्टी होती है स्कूल की जो चीज़ें होती हैं उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए उनको तोड़ना नहीं चाहिए नेक्स्ट इज़ टेक केयर द डेस्क एंड चेयर्स आर अरेंज नीटली हमें हमारी क्लासरूम में जो डेस्क और चेयर होते हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करके नीटली रखना चाहिए मीन्स साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए नेक्स्ट इज़ कीप बुक शेल्स कीप बुक्स नीटली ऑन द शेल्व हमें जो बुक शेल्फ पर बुक्स होती हैं उनको भी नीटली मीन्स साफ़ सुथरा रखना चाहिए okay so students i hope you might be clear these topics so read it again with the help of your parents okay thank you